हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गैस अगर आपको भी अपना आधार कार्ड में एड्रेस या मोबाइल नंबर कुछ भी अगर चेंज करवाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और गैस कुछ ऐसे सच्चाई भी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना, तभी आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाला है। गैस आप अगर ये हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। गैस सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं टाइम लगता है, आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपको जो लाल वाला जो बटन दिखेगा आपको इसको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका जो बेल का जो नोटिफिकेशन है इसको ऑल कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने बताया था कि आधार कार्ड में जो XML फाइल होता है उसको आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पे है, जैसे कि मैंने बनाया था कि हाउ टू डाउनलोड आधार XML फाइल। तो गाइस इस वीडियो में मतलब काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिए थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो मेरे मतलब नए नए सब्सक्राइबर आए हैं इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे चल करके मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइज अगर आपके पास आपका अगर फोन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम में आना है। यहाँ तक तो आप सबको मालूम है कि क्रोम में आने के बाद आपको UIDAI में आना है। तो एक बार मैं आपको आके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो गाइज यहाँ पे जब आप अगर आते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलता है, इसमें आप लॉगिन होना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको अगर अपना अगर एड्रेस वगैरह चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको दो ऑप्शन मिला है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही आपको स्क्रीन में शो हो जाता है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा था कि आधार कार्ड वगैरह का जो एड्रेस चेंज करवाना है, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना, सारा चीज़ आपको यहाँ पे आ रहा था। तो गैस आपको सिंपली से करना क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा बुक एंड अपार्टमेंट। तो गैस यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो गैस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो भी चीज़ आपको चेंज करवाना है, यहाँ तक कि अपना फोटो वगैरह या फिर फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी आपका अगर ये मिसमैच है तो उसको आप अगर अपडेट करना चाहता है तो सारा चीज़ यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मतलब YouTube में आप वीडियो देखेंगे तो हर एक वीडियो में आपको बोलता है कि आप घर बैठे चेंज करें, लेकिन गाइज सच्चाई क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होता है कि बुक एंड अपार्टमेंट, तो गाइज इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आप बुक कर सकते हैं, लेकिन गाइज आपको अपना आधार कार्ड में जब भी अगर कोई भी चीज़ अगर चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी बार करें, तो आपको गाइज आधार जो आपका जो केंद्र होता है वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि गाइज वहाँ पर आने के बाद आपका KYC होता है, जो मेन KYC होता है आपका वहाँ पर होता है। गाइज फॉर एग्जाम्पल आप पेटीएम को ले लीजिए, पेटीएम में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ये पेटीएम में आपको अगर बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको एक बार जरूर KYC करना पड़ता है। तो इसी तरीके से गाइज आधार कार्ड है, क्योंकि गाइस ये गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ पे आपको एक बार जाके KYC करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली से होता क्या है कि सारा चीज़ आप अपने जरिए कर लेंगे, मतलब जो भी आपको चेंज करवाना है आप खुद कर लेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक रिसीविंग मिलता है, एक फॉर्म मिलता है, उसको आपको डाउनलोड करके आपको आधार केंद्र ले जाना पड़ता है, वहाँ पे दिखाना पड़ता है, उसमें एक नंबर होता है, उस नंबर को टाइप करेंगे, उसके बाद सारा डिटेल उनके पास हो जाएगा, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपली सी बस वो क्या करेंगे कि आपका जो फिंगर है वो लेंगे वहाँ पे और वो वहाँ पे KYC को कंप्लीट कर देंगे। और अगर 24 घंटे में मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो भी मतलब आप अपडेट करना चाहता है यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो ये काम होता है। तो इसको आप अगर ये करना चाहते हैं, इस फॉर्म को आप अगर यहाँ पे अगर सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं अपने आप से मैं अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद मैं वहाँ पे आके मैं वेरीफाई करवाऊंगा KYC करूँगा, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको 50 रुपये यहीं पर देना पड़ता है। प्लस गाइस जब आप अगले आधार केंद्र जाएंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ से भी आपके पास 50 रुपये ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पे आपसे पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि 50 रुपये आपका वहाँ पे भी लेंगे, मतलब आपका 100 रुपये टोटल खर्च होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट लोकेशन। तो गाइस आपका जहाँ पे भी मतलब एड्रेस है, जहाँ पे भी आपका घर है, सबसे पहले आपको वो देना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जहाँ भी घर है, मतलब आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पे सारा चीज़ आएगा कंप्लीट। तो आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे जो भी है आपको अपना सबसे पहले देख लेना है। तो मैं जैसे कि मैं अपना देख लेता हूँ फटाफट। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने देखा तो यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपका अगर एड्रेस नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आना है बैक।
तो जैसे कि यहाँ पे मेरा नहीं आया, मैंने देखा तो यहाँ पे मेरा आया ही नहीं, मेरा जो भी एड्रेस है यहाँ पे आया नहीं, तो मैं सिंपली से क्या करूँगा, एक बार बैक आऊँगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा समझा देता हूँ। अगर जो आपका अगर गाँव का नाम नहीं आया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली से यहाँ पे दोबारा आना और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार अपडेट का ऑप्शन आ रहा था सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फिर दूसरा एक आपके पास पेज आएगा। तो आपको सिंपली से क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टेट लेना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे स्टेट था, तो यहाँ पे मैंने चेक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनरोलमेंट सेंटर सर्च। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो स्टेट है वो आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको मैं एंटर कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है कि सेलेक्ट, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेना है। इसी तरीके से आपका जो विलेज है वहाँ को लेना है, जहाँ पे भी आपका जो मतलब पोस्ट ऑफिस है तो वो जरूर आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने ले लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको आता है कैप्चर कोड, तो जो भी यहाँ पे है स्मॉल में है हमें स्मॉल में लेना है, कैपिटल में है जो भी अक्षर उसे हमें कैपिटल में लेना है। बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होता है, तो इस तरीके से कर देंगे लोकेट सेंटर। तो गाइस सबसे पहले हमें लोकेट सेंटर को देखना है कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पे आ चुका है, तो किशनगंज बाज़ार इस तरीके से आ चुका है। जो हमारा जो मेन सेंटर है सबसे पहले उसे हमें देखना है, देख सकते हैं। तो गाइस आप चाहे तो डायरेक्ट अपना आधार केंद्र जो है वहाँ पे भी आ सकते हैं। मैंने जो आपको इस पेज को ओपन करके जो दिखाया वो इसलिए दिखाया कि ताकि यहाँ से आपका जो भी आधार केंद्र है कहाँ पर है, नज़दीकी जो है वहाँ का आप एड्रेस देख सकते हैं। अगर जी आपको यहाँ से अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मोबाइल में अगर 50 रुपये देंगे, 50 रुपये वहाँ पर देंगे, तो आपका 100 रुपये खर्च होता है। लेकिन गाइस आप अगर डायरेक्टली अगर आधार केंद्र में जाते हैं तो सिर्फ आपका 50 रुपये ही वहाँ पे खर्च होगा। आपका जो मोबाइल नंबर चेंज करने का सिर्फ 50 रुपये वो लोग चार्ज लेते हैं, उससे ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप अपना जो आधार कार्ड में जो भी चेंज करना चाहते हैं, जो भी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हो, और आपका उसमें खर्च भी कम पड़ेगा। अब गाइस ऑनलाइन आप अगर चेंज करेंगे तो गाइस फिर भी आपको आधार केंद्र जाना पड़ता है। तो गाइस ऑनलाइन चेंज करने के लिए आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाते हैं, तो आप उन वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो चाहे तो मैं भी उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस वो बहुत आसान है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो गाइस लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे तो डायरेक्ट आधार केंद्र में जा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से आपका खर्च कम पड़ेगा। क्योंकि गाइस मोबाइल से आपको 50 रुपये चार्ज देना ही पड़ता है, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था और मैंने आपको यहाँ पे पूरी सच्चाई बता दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।